नमस्कार किसान भाइयों, अपने चैनल में स्वागत है आपका। मैं जय सिंघानिया आज आपको अपने खेत की शिमला जो है दिसंबर महीने में किस तरीके से और किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, शिमला का जो ग्रोथ होता है, जैसे कहते हैं फल और फूल, ये इस टाइम पे सारा का सारा रुका पड़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि धुंध कितनी तेज और सर्द हवाएं चल रही हैं इस टाइम पे। देखिए, ये हवाओं का कारण है जो कि इस टाइम पे फल और फूल रुका हुआ है। अब इस पे जैसे कि हमने कल ही दवा डाली, इस तरीके से अगर पेड़ झुलस रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ तुषार का ही फैक्ट है। तो मैं अपने नए और पुराने सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि मैं जो भी अपनी खेती करता हूँ वो इस तरीके से मल्च के ऊपर ही करता हूँ। यह हमारे खेत के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं जिस नाली के अंदर चल रहा हूँ, ये देखिए, ये मशीन द्वारा हमने बेड बनवाए हैं और उसके ऊपर पन्नी बिछाई है। इस टाइम पे विदाउट पन्नी के अगर ये शिमला होती तो अब तक ये सारी तुषार खा गया था, और तुषार के आगे कोई भी दवाई काम नहीं करती है। अगर इससे बचना है तुषार से, तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि कोशिश करें कि टॉनिक लगाते रहें। और हमारे अभी देखिए कम से कम 10 से 20 क्विंटल अब शिमला हमारी लगी हुई है। मैंने दिसंबर का महीना चल रहा है, ये देखिए फल सारे में लगे हुए हैं, ये सभी फल हमारे लगे हुए हैं छोटे और बड़े। तो मैंने अभी दवाइयाँ घेरना बंद कर दी हैं। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि मैंने कल दवाई इस पे घेरी है जो कि इस पे झुलसा रोग ना लगे। ये देखिए सभी में फल लगे हुए हैं। तो सर्दियों में बचाव के लिए टॉनिक जरूर लगाते रहें जो कि झुलसा रोग ना लगे। मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, ये देखिए हमारा सारा फल लगा हुआ है। तो आज ये 29 30 तारीख 30 दिसंबर हो गई है, एक दिन बाद ये नया साल आ जाएगा और आपको दिखाई दे रहा होगा कितना धुंध छाया हुआ है। और मैंने बगल में ही अपना बंद गोभी का रोपण कर दिया है। ये देखिए हमारे बगल में बंद गोभी का रोपण हो चुका है। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर इस तरीके से कोई फसल है आपकी, ये देखिए शिमला लगा हुआ है, ये हल्का हल्का फूल है जो भी आ रहा था, देखिए ये देखिए फूल लगा हुआ है। तो इस तरीके से अभी ये दिसंबर के महीना तो गुजर चुका है, बस अभी ये फूल जो आ रहा है तो ये 1 2 दिन के अंदर अब सभी फूल निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से टॉनिक डालते रहें तो कोशिश होगी कि ये बच जाएगा। ये देखिए फूल निकल रहा है हमारा, ये देखिए कहीं कहीं 2 4 6 पेड़े जो हैं मेरे खेत में थोड़े बहुत झुलस चुके हैं, ये सब तुषार का ही फैक्ट है। तो इन सभी चीज़ों से बचना है तो टॉनिक डालते रहें, दवाइयाँ, जिससे आपकी फसल नुकसान ना हो। अगर आप किसान हैं तो किसी भी नए यूट्यूबर हो या कोई भी हो, ज़रूर अपना सलाह मशवरा से ही काम करें। ऐसा नहीं है, जो प्रैक्टिकल किसान हो
और मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल किसान हूँ, हमारी देखिए सारी ऑलरेडी शिमला लगा हुआ है, बड़ा से छोटा फल ये देखिए लगा हुआ है। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि खेती करें तो मन लगा के खेती करें, जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपना चैनल दावरिया फार्मिंग, जय जवान जय किसान।